हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं। मैंने अभी अभी अपने हेयर वॉश किए हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर आने के बाद ना रात को ही हेयर वॉश करना अच्छा लगता है। मैं नॉर्मली रात को ही हेयर वॉश करती हूँ। ये मेरा हेयर ड्रायर, जब मैं इंडिया में रहती थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते थे तो मैंने उनसे ऐसा हेयर ड्रायर मंगाया था जो कि कूल भी करता है, वार्म भी करता है। तो वो मेरे लिए लेकर आए थे और जब मैं वो मेरे लिए यहाँ से वहाँ लेके आए और जब मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ तो मैं इसे फिर अपने साथ ले आई हूँ। मुझे ना अपने बालों से सबसे ज़्यादा प्यार है, मतलब मैं अपने बालों की इतनी केयर करती हूँ और मैंने जितने पैसे अपने बालों पे बर्बाद किए होंगे ना शायद अपने स्किन पे भी नहीं किए होंगे। जब मैं इंडिया में थी ना तो इवन मैं अपने वॉश के लिए भी पार्लर जाती थी क्योंकि वो वॉश करके अच्छे से ड्राई करके बहुत अच्छे से सेट कर देते थे बाल। अमेरिका में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी अभी बाहर का टेम्परेचर ना ऑलमोस्ट -6 हो रहा है। इट्स फील लाइक -6, अदरवाइज तो शायद एक टेम्परेचर है कुछ। अमेरिका में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बाहर जितनी मर्जी भी ठंड रहे, जो भी कुछ हो, लेकिन अंदर ना आपको ज़रा सी भी ठंड नहीं लगेगी क्योंकि सारे रूम्स में, वॉशरूम में, हर जगह रेडिएटर्स लगे हुए हैं और हीट आपको ना हमेशा मिलती रहती है। तो आपको ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बल्कि रात में तो ऐसी सिचुएशन है कि हम तो फैन चला के सोते हैं, गर्मी और लगती है। लास्ट वीक मैंने घर पे खुद ही हेयर कलर करने की कोशिश करी और मेरे को ना ये बगैंडी रेड सा का जो कलर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ समझ नहीं आया, आधी जगह हुआ है आधी जगह नहीं हुआ, कहीं ब्लैक है कहीं रेड है, पता नहीं मतलब क्या हुआ है। बस इतने ट्राई मेरे काफ़ी है, एक बार ये जो थोड़ा कलर उतर जाएगा ना एक बार मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगी सेम कलर करने के, थोड़ा रेडिश लेके आऊँगी इस बार। बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना खाने जा रही हूँ। मैंने आज आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती एंड सेकेंडली मुझे ना पसंद भी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा रोटी के बिना कैसे गुजारा होता है। हाँ बात तो सही कह रहे हो, पर फिलहाल तो देखो चल रहा है गुजारा। यहाँ पर इजीली मार्केट में रोटी अवेलेबल हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई और बिल्कुल घर जैसी रोटी बनती है। देखो आपको देखकर ऐसा ही लगेगा घर जैसी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप घर जैसी रोटी ले सकते हो, मतलब घर जैसी भी है, नान भी मिलता है, सब कुछ ही मिलता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना खाना खाने बैठ गई हूँ, बहुत तेज भूख लग रही थी मुझे, वैसे भी सवा 12 हो गए। मैं खाने जा रही हूँ मीठा एक्लेयर्स, बहुत मस्त लगते हैं ये। इसके बीच की जो क्रीम है ना मस्त है। मेरा ऑफिस शुरू हो चुका है, मेरे इंडिया में अपना खुद का बिजनेस है ऑनलाइन का, जहाँ पे हम वुमेन वेस्टर्न अपैरल बेचते हैं। यहाँ आने से पहले मैं उसी बिजनेस को हैंडल करती थी, यहाँ आने के बाद भी क्योंकि वहाँ पे यहाँ जब नाइट होती है तो वहाँ दिन होता है तो मैं रात में बैठ के काम करती हूँ ऑफिस का।